रोड देखो आप, रोड भाई साहब अभी ना इतनी खतरनाक बिजली कड़की, पूछो मत यार। ये देखिए, ये है मुंशियारी, कम से कम 96 किलोमीटर हमें ऊपर वाली रोड पे निकलना है। श्यामा भी ऊपर ही मिलेगा, फार्सली हमें मिलेगा 4 किलोमीटर, हमें वो साइड को नहीं जाना, हमें ऊपर को निकलना है। एक बार आप इस व्यू को देखो आप, वही तो कह रहा हूँ, हमारा आना बर्फ का आना है। देखते हैं, मौसम काफी खराब हो रहा है, ऊपर बोल रहे कि बर्फ पड़ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मुंशियारी जाने का हमारा दूसरा दिन है। जो आज हम रुके थे बैजनार रुके थे, सो अभी हम रेडी हो चुके हैं, गेट्स पहन लिए और ब्रेकफास्ट हमारा बन चुका है। आलू के पराठे खाए जाएंगे सुबह सुबह, क्योंकि यार कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे मुंशियारी पहुंचने में। गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, अनलॉक बैग हमने सामान बैग कर लिया है, बस मेरा रह गया है। और मौसम एक बार आप देखो यार, क्या मौसम हो रहा है आज। वैसे बारिश का मौसम भी बता रखा है, पर यह है कि कोई नहीं, हम देख लेंगे, जहाँ पर बरसात होगी तो वहाँ पर हम स्टे कर लेंगे। सो गाइस, अब करेंगे हम ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में हमने आलू के पराठे मंगाए हैं, ठीक है, फैला पड़ा है। और बस मेरा सामान रह गया पैक होने के लिए, बाकी सारा सामान पैक हो गया। और नाश्ते में जो हम करेंगे, आलू के पराठे करेंगे, अनुभवी नाश्ता कर रहे हैं मस्त वाला, और चाय भी है साथ में। सो पहले करते हैं हम ब्रेकफास्ट, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि हमने जाना काफ़ी लंबा, कम से कम 180 किलोमीटर हमने पार करना है। सो मिलते हैं उसके बाद सीधा रोड पर। सो फाइनली गाइस, हम रेडी हो चुके हैं और गाड़ी भी हमारी रेडी हो गई है, बस हम निकलने की तैयारी यहाँ से। और भैया का जो हमारा जो बिल बैठा है, कम से कम 850 के करीब बैठा है। और कभी भी अगर आप इस प्लेस एक बार, ये वाला बोर्ड देख लीजिए, मेन हाईवे पे ही है। अगर आप कौसानी होते हुए आएंगे तो आपको इसी रोड पे आपको ये मिल जाएगा, पहाड़ी भोजनालय के नाम से। अब चलते हैं यहाँ से फटाफट, देरी नहीं करते क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो फाइनली गाइस, हम चल चुके हैं अपने मंजिल की ओर। सो अनुभव भी रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गया हूँ, होटल लिया था, दुकान शॉप यारी। सो अब निकलते हैं फटाफट, अनुभव भाई आगे को जा रहे हैं। चलो दादा भाई, फिर बहुत बहुत थैंक यू सो मच खाने के लिए और कमरे के लिए, मिलते हैं दोबारा। ओके दादा, चलो फिर। तो फाइनली गाइस, अभी हम पहुंचने वाले हैं बागेश्वर, और मॉर्निंग 10:16 हैं। हम वहाँ से 9:30 निकले हैं, और देखो यार मौसम साथ दे रहा है हमारा। अभी बरसात तो हुई नहीं, काफ़ी लग रहा था कि बरसात होगी, 98% बता रहा था, पर यह है कि बरसात नहीं हुई, सफ़र चल रहा है हमारा। और अभी हमें कम से कम 10 किलोमीटर हो गए आते हुए वहाँ से, गरुड़ से। और हम निकलेंगे यहाँ से बागेश्वर, पहले बागेश्वर में थोड़ा सा स्टॉप लेंगे, मैं भी अपनी गाड़ी का एयर प्रेशर चेक करवा लूँगा और अनुराग भाई अपनी गाड़ी में फ्यूल करवाएंगे। फाइनली गाइस, हम पहुँच चुके हैं बागेश्वर, अब यहाँ से लेंगे कपकोट के लिए। कपकोट जो पड़ेगा इस साइड वाले रास्ते में पड़ेगा, और अभी तो पहले मेन बागेश्वर पहुँच लें, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा रास्ता हमारे सबसे बेस्ट रहेगा रूट के लिए। अभी तो पहले तो बागेश्वर ही पहुँच रहे हैं अभी तो। सो गाइस, अभी हम कपकोट वाले रोड पर आ गए हैं। कपकोट यहाँ से अब 30-35 किलोमीटर है, और रास्ता आप देख रहे हैं थोड़ा सा ख़राब है। यह है कि अब प्लेन जैसा रूट तो नहीं मिलेगा, पर यह है कि काफ़ी गड्ढे कभी रूट से कभी ख़राब मिलेंगे इस रूट पे। पर यह है कि रास्ता अच्छा, अभी तो बोल नहीं सकता कि अच्छा है करके, बोले ठीक ठाक ही है रास्ता। अभी कपकोट पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कि रास्ता कैसा है। एक बार इस पहाड़ को चेक करो आप, नज़ारा दिखाई दे रहा है, क्या प्यारा नज़ारा दिखाई दे रहा, व्यू देखो आप। मुझे तो सबसे ज़्यादा वो जो प्यारे लगे ना, वो ज़्यादा अच्छे लगे, छोटे छोटे गांव है देखो, ऊपर देख रहे हो आप, काफ़ी काफ़ी अल्टीमेट है व्यू। थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर, थोड़ा फोटो शूट हो जाए हमारी, क्योंकि थोड़ा नज़ारा देखकर तो अच्छा लग रहा है। ये देखो व्यू, व्यू देखो क्या प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है, देखो चारों तरफ देखो नज़ारा आप। देखो मेरी धन्नो फुली लोडेड है, लोडेड क्या लोडेड, फुली लोडेड। अगर धूप निकली होती तो वीडियो क्वालिटी और अच्छी आती ना।
थोड़ा और अच्छा दिखाई देता। यार अभी अपना सामान भी यहाँ पर ही, मैं अपना गोप्रो को यही बंद कर रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हो गई है। सो अभी मैं सामान को पैक करता हूँ, फिर आपको क्या नाम था भूल गया मैं, वहीं मिलते हैं सीधे कपकोटी मिलते हैं फिर। सो गाइस आपको कपकोटी मिलता है क्योंकि यहाँ से देखो बारिश स्टार्ट हो गई है। मैं अपना सामान पैक कर रहा हूँ यहाँ से। सो मिलते हैं फटाफट आपको कपकोट। सो फिलहाल गाइस एक बार चेकआउट करो आप, व्यू काफ़ी अच्छा है। कपकोट यहाँ से 2 किलोमीटर है, इसके बाद आपको ग्लेशियर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सामने देखो ग्लेशियरों में आपका पुनः आगम, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और जिला पंचायत बागेश्वर। सो देखो व्यू अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बता रहा मुझे। मौसम भी सुहावना, थोड़ी हल्की की बूंदों की छींटे हुए और आपको दिखाता हूँ छींटे। देखो देखो बैग में हल्के हल्के छींटे पड़ने लग गए यार, पर यह है कि अब यहाँ पीछे साइड बारिश हो रही है और यहाँ पर बारिश ही नहीं है। बताओ ना अनुराग भाई, बारिश ही नहीं है इधर। वो अनुराग भाई अपने ब्लॉगिंग करते हुए, और देखो यार अरे मस्त व्यू है। हेलो गाइस, सो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं हम कपकोट। कपकोट का आपको नज़ारा देखो, छोटा सा हिल स्टेशन है, काफ़ी अच्छा है। पहाड़ियाँ देखो ना यार, मतलब ठीक है, छोटा छोटा सा गांव है पर ये है कि आबादी अच्छी है और देखने लायक। तो यहाँ पर अभी इतना हमें पता नहीं कपकोट में क्या चीज़ है, पर ये है कि छोटे छोटे जो गांव है ना वो दिख रहे हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो एक बार आप। मैं बोला अनुराग यहाँ पर पेट्रोल पंप भराओगे तेल, मुंशहरी भरवाओगे? चलो ठीक है, ये बोल रहे मुंशहरी भरवाएंगे। सो हम मुंशहरी ही करेंगे फ्यूल अप। अभी तो है मेरे इसमें तो काफ़ी डंडे, कम से कम ये होंगे तुम्हारे 6 डंडे हैं अभी, 6-7 डंडे तो आराम से पहुंच जाएगी उनके। रोड देखो एक बार आप, मुंशहरी जाने वाली, कपकोट से हम निकल चुके हैं और मुंशहरी वाला रोड ये रहा। और व्यू देखो और रोड देखो आप, बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा है रोड तो। यार थोड़े तीखे तीखे मोड़ भी है भाई साहब। पहाड़ियाँ देखो तुम यार, पहाड़ियाँ हाय हाय। और नीचे कपकोट है, जो आपको नीचे दिख रहा है कपकोट है पूरा। देखो पूरा कपकोट दिखाई दे रहा है आपको। पर यार व्यू का आनंद आप लीजिए एक बार, काफी अल्टीमेट है यार काफी। देखो रोड काफी अच्छी यार रोड, यहाँ तो गाड़ी चलाने में ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कहीं जो आ गए आज। वैसे भी मुंशहरी अब यहाँ से 100 किलोमीटर रह गया और रास्ता आप ही देख रहे होंगे, थोड़े तीखे तीखे मोड़ है दिखाई दे रहा। कोई नहीं, पूरे चीड़ के जंगल है यार, पूरा चीड़ के जंगल दिखाई दे रहे। अभी अनुराग भाई पीछे है मेरे ख्याल से, आ गए वो। देखो कैसे आ रहे, धीरे धीरे आ रहे, इनको बोलना पड़ रहा है कि आओ आ करके, पता नहीं क्या है ये। भाई जब जंगल चेकआउट करो, अच्छे पहुंच गए साथ। क्या हुआ पीछे क्यों रह गए थे? अरे मैं वो वहाँ पे एक जगह शूट करने लग गया था, बढ़िया नीचे का यार जंगल, कपकोट बड़ा सेक्सी दिख रहा था वहाँ से, तो मैं वहाँ रुक गया एक बार। तुम दो तीन फोटो तो ली होंगी, दो तीन फोटो लिए? फोटो नहीं ली, एक सेकंड के लिए तेरे को हॉर्न बजाता रहा तो रुका ही नहीं। कौन फोन कट गया था? कॉल तो बहुत देर से कट गई यार। चलो फिर आप करते हैं, रोक रहा है क्या? फोटो शूट करनी है एक, थोड़ा सा ऊपर करते हैं ना जहाँ से व्यू। व्यू पसंद आया ना प्लीज़ यार लाइक और कमेंट करिए, क्योंकि यार पहली लॉन्ग राइड होने वाली है। और नीचे देखो आप कैसा दिखाई दे रहा, अल्टीमेट व्यू आ रहा है ना वो। देखो बादल पहाड़ियों को छूते हुए यार, क्या मस्त है। देखो रोड कितनी अच्छी अच्छी लग रही है ऐसे करते जाते हैं ऐसे, वाह खुश हो गया दिल। रोड देखो आप, रोड भाई साहब अभी ना इतनी खतरनाक बिजली कड़की, पूछो मत यार, क्योंकि बारिश होने वाली है अब दबा के। और हमें अगर कहीं कुछ मिलता है छुपने का तो छुपेंगे, नहीं तो आगे बढ़ते रहेंगे। छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे हैं, लोग नीचे कुछ खेल रहे हैं। देखो नीचे कुछ कर, ओए होए ये चेकआउट करो एक बार अब।
ये चेकआउट करो, देखो एक नीचे ट्रक पड़ा हुआ है भाई साहब, बड़ा खतरनाक है। अब ये भी हमें देखो, कभी भी चलाओ रोड पे तो पहाड़ी में ना थोड़ा सेफ चलाओ, क्यों पता है कभी भी कुछ हो सकता है। सो अभी पहले पहुंचना हमने श्यामा, अभी एक थोड़ा सा ब्रेक लिया क्योंकि हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, तो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। अब यहाँ पर देखो व्यू भी अच्छा रहा है, चीड़ के जंगल आ रहे हैं, पर यार जो डर लग रही है ना बस खास तौर से बारिश का डर लग रहा है और कुछ का नहीं लग रहा, बाकी आप तो पता ही, हम तो है चीते। सो फिलहाल गाइस ये बस व्यू देखो आप, काफ़ी अल्टीमेट व्यू है यार। अभी हम 2 मिनट के लिए ब्रेक लिया हमने, थोड़ा सा फोटोशूट चल रही थी यहाँ पर ये है कि व्यू बहुत अल्टीमेट है। पहाड़े देखो आप, क्या अल्टीमेट पहाड़े दिखाई दे रही। रोड देखो ना, ये रोड ऐसे करते हुए देखो पूरे सांप की तरफ बनते हुए और लास्ट एंड तक जा रही है, देखो लास्ट पर व्यू काफ़ी अल्टीमेट है। और अभी तो पहले तो यार हम फ्यूल अप करेंगे क्योंकि देखो मेरी भी 4 डंडियाँ घट गई हैं और अनुराग भाई की तो पूछो मत, खाली है देखना अभी। 2 से 3 साल बचे, 3 साल बचे हैं देखो भाई साहब। अरे माय गॉड 2 साल, चलो। सो अब निकलते हैं टाइम से फटाफट, डर चलो, हवा चल रही है, हवा भी चल रही है खतरनाक ही हवा, ससुर की आवाज आ रही। चलो 26 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप है। सोफा फाइनली गाइस पहुंचे हैं, अभी श्यामा स्टे करने का सोच रहे हैं यहाँ पर, अभी देखते हैं पहले होटल का, और गाइस अभी होटल देखते हैं यहाँ पर, यहीं पर ही। हाँ इनसे आंटी होटल मिल जाएगा, हाँ क्या प्राइस रहेगा, क्या क्या सिस्टम है उसमें। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं बस हम। हेलो रिकॉर्डिंग भी चल रही है? हाँ सब काफ़ी ला रहे हैं। सो अभी देखते हैं रूम, देखते हैं नीचे जाके कैसा है करके। हाँ मैं रुद्रपुर, हाँ वही तो कह रहा हूँ, हमारा आना बर्फ़ का आना है। देखते हैं, मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, ऊपर बोल रहे कि बर्फ़ पड़ रही है। सो फिलहाल गाइस हम ऊपर से आए, देखो आपको रास्ता दिख रहा होगा काफ़ी ऊपर से, टेढ़े मेढ़े करके देखो इतना किलोमीटर का फर्क पड़ा है, पूछो मत। देखो रास्ता देखो, एक बार आपको मैं जूम करके दिखाऊं, ये देखो ये है रास्ता, वो ऊपर से जाए ऐसे करके देखो, सामने व्यू देखो, देखो काफ़ी अल्टीमेट रास्ता है, पर यह है कि बहुत लंबी चढ़ाई करनी पड़ी है, पूरा रास्ता जो है घूम घाम के आए। तो फिलहाल अभी देखो 3 डंडे सेल्स के रह गए हैं, 380 किलोमीटर, 308 किलोमीटर, और फ्यूल देखो आप कितना है, अभी फ्यूल करवाते हैं पहले, फिर नज़ारा लो आप। सो गाइस ये चेकआउट करो, सामने है मुंशारी इस पहाड़ के पीछे, और अभी हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया है। इस व्यू को चेकआउट करो यार, काफ़ी अल्टीमेट व्यू है। पीछे बोर्ड था आपका मुंशारी का, और थल का थल वहाँ से आपका 24 किलोमीटर है, तो हमने मुंशारी का लिया। आने वाला जो रास्ता रहेगा ये यही वाला रास्ता रहेगा, पर यह है कि हम थल को निकलेंगे, अब हम बागेश्वर को निकलेंगे यहाँ से। एक बार यार मौसम का विजाज देखो यार आप, बर्फ भी पड़ती है, बहुत ही अल्टीमेट हो, क्या पता बर्फ पड़ जाएगा जी। सामने होगा कहीं ना कहीं मुंशियारी, वो सामने हो वो उसमें बहुत बुरा हाल है। चलो देखते हैं अभी चलते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, पहले तो पहुँचेंगे हम क्यूटी, क्यूटी से मैं आपको बताता हूँ कि आप आज यही रुकना है या आगे चलना है। सो गाइस अभी पहुँचे हम भिरती फॉल, और बारिश देखो आप, दबा के बारिश हो रही है भाई, पूरा भीग चुका हूँ देखो मैं, पर यह है कि अंदर का रेनकोट के वजह से थोड़ा अच्छा है कि ज़्यादा मतलब कि इतना महसूस नहीं हो रहा, पर यह है कि बाहर से गीला हो गया हूँ। और मेरे देख सकते हैं वो है भिरती फॉल, पर आज तो हम यहीं स्टे करेंगे क्योंकि यार बारिश और रिस्क ज़्यादा ले नहीं सकते, कपड़े भी सुखाने। सो आज हम ये रुकेंगे। सो अभी आप देखो मौसम ना खतरनाक हो गया, देखो पूरा बारिश ही हो रही खतरनाक, मेरे ख्याल से यार आपके क्या पता बर्फ़ पड़ जाए। जनरल भाई की गाड़ी और वो मेरी। सो पहले रूम लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं,
कि कल का क्या प्रोग्राम है, नहीं तो कल दो दिन यहीं रहेंगे फिर चलेंगे मुंशहरी के लिए।